हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको वन पंच मैन की गारो वर्सेस ओरोची की फाइट को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि इतनी कमाल की है कि इसके बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। तो इसलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में वन पंच मैन के मांगा के बारे में भर भर के स्पॉइलर है। और अगर आपको स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये वीडियो आप मजे से देखिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फाइट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो गारो और ओरोची के बीच में फाइट कैसे शुरू होती है, पहले उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली होता यूँ है, गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक मॉन्स्टर हीरो से रेस्क्यू करके अपने बेस पे लेके चले जाता है, जहाँ गारो बेहोश है। क्योंकि गारो और हीरोज के बीच में जो फाइट हुई थी उसमें गारो के बॉडी पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका था और इसके कारण गारो बेहोश हो गया। पर कुछ ही समय बाद गारो को होश आता है और गारो जैसे ही होश में आता है वो अपने आजू बाजू देखता है और अपने आप से बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं बच गया। और यही सोचते हुए गारो को एक लेटर मिलता है जो कि गारो के लिए ही था, जिसमें लिखा था, वेलकम टू मॉन्स्टर एसोसिएशन। और गारो, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो तुम बच चुके हो और हमने ही तुम्हारी जान बचाई है, तो इसलिए इस रूम में शांति से रहना, कोई दिक्कत पैदा मत करना और इस हाइड आउट से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हीरो एसोसिएशन वाले तुम्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे लिए हमने नए कपड़े बनाए हैं, वो पहन लो। और इतना ही पढ़ने के बाद गारो उस लेटर को फेंक देता है और कपड़े पहन के बाहर चले जाता है। और कुछ समय बाद हमें गारो दिखाई देता है जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस में घूम रहा है, और घूमते घूमते उसको एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है जिसमें कुछ इंसान ग्योरो ग्योरो से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। पर मैं इन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इनका कुछ बड़ा ज्यादा रोल नहीं है। पर मैं आपको एक कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिसको आपको याद रखना होगा, जिसका नाम है किंग द रिपर। और अब हम डायरेक्टली गारो और ग्योरो ग्योरो की कन्वर्सेशन पे आते हैं, और इनकी जो कन्वर्सेशन है उसको पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन और ओरोची भी सुन रहा है। और इस कन्वर्सेशन में ग्योरो ग्योरो गारो से कहता है, अगर तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करना है तो तुम्हें हमारे बॉस ओरोची की एक कंडीशन फुलफिल करनी होगी, क्योंकि हम तुम्हें मॉन्स्टर मानते ही नहीं है और इसलिए तुम्हें हमें प्रूव करना होगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। और ये सुनने के बाद गारो बोलता है, अच्छा मैं एक मॉन्स्टर हूँ, ये कैसे प्रूफ करूँ, क्या उसके लिए मुझे अपने सर से सिंग निकालने पड़ेंगे या फिर मुझे कुछ और करना होगा। और फिर तभी ओरोची बोलता है, तुम्हारे पास एक दिन है जिसमें तुम्हें किसी भी एक सुपर हीरो का सर लाना होगा और तभी तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन कर पाओगे। और ये सुनते ही गारो सर लाने के लिए चला जाता है, पर ग्योरो ग्योरो इंसेक्ट मैन और किंग द रिपर को गारो पर नजर रखने को बोलता है। और फिर हमें गारो को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को कुछ लोगों से बचाता है जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और गारो उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है किसी दूसरे इंसान की लाइफ सेक्रीफाइस करके तुम बच जाओगे, तो तुम बहुत बड़े वाले गधे हो और तुम लोगों ने मॉन्स्टर एसोसिएशन को अंडर एस्टिमेट कर रखा है। और गारो ऐसा बोल के और उन सभी लोगों को अच्छे से मार के वहाँ से रेस्टोरेंट की तरफ चले जाता है, क्योंकि गारो को भूख लगी थी। और उसी रेस्टोरेंट के अंदर सायतामा भी खाना खा रहा है। और जो इस रेस्टोरेंट में इंसिडेंट होता है वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि यह हमें गारो और ओरोची की फाइट से थोड़ा सा डाइवर्ट करती है। बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा, गारो उस रेस्टोरेंट में से खाना खा के बिना बिल पे किए भाग जाता है और उसे रोकने के लिए सायतामा भी उसके पीछे पीछे भाग पड़ता है। और फिर हमें गारो को दिखाया जाता है जो कि ग्योरो ग्योरो की कंडीशन के बारे में ही सोच रहा होता है, पर तभी उसे तारियो दिखाई देता है जिसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं। और ये देखते ही गारो जोर से चिल्लाता है, छोड़ दो उसे। और ये सुनते ही वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। और फिर गारो तारियो के पास जाके बोलता है, जो तुम ये बच्चों की तरह रोते हो ना, इसलिए तुम्हें सारे बच्चे परेशान करते हैं। और ये आवाज सुन के तारियो ऊपर देखता है तो उसे गारो दिखाई देता है और तारियो उसे ओल्ड गाय बोलता है। और ये सुनकर गारो गुस्से से बोलता है, और मैं सिर्फ 18 ईयर का हूँ। ये बोलते हुए गारो उस लड़के को घर जाने को बोलता है और खुद भी वहाँ से जाने लगता है। पर तारियो गारो को सॉरी बोलता है और बोलता है, मुझे तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। और मुझे मालूम है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि तारियो ने गारो को सॉरी क्यों बोला, इसलिए मैं आपको कुछ चैप्टर पीछे ले जाता हूँ जहाँ पर हीरोस और गारो की फाइट हो रही है।
और हीरोस अपनी फुल पावर से गारो पर अटैक कर रहे हैं, जिसको गारो अपने बॉडी से डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि गारो के पीछे जो आपको घर दिखाई दे रहा है उसमें तारियो है और उसको कई हीरोस के अटैक से चोट ना लग जाए, इसलिए गारो हीरोस के अटैक को अपने हाथों से डिफ्लेक्ट कर रहा है। और गारो तारियो को वहाँ से भागने को बोलता है और तारियो वहाँ से बच बचा के भाग जाता है और इसलिए तारियो गारो से सॉरी बोलता है। तो ये था पास का इंसिडेंट। और अब आते हैं प्रेजेंट के चैप्टर पे, जहाँ पर तारियो बोलता है, जब तुम्हें हीरोस मारने की कोशिश कर रहे थे और वो मैंने देखा और मुझे लगता है कि हीरोस को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आफ्टर ऑल तुमने तो मुझे उनके अटैक से प्रोटेक्ट किया था और अभी भी तुमने मुझे उन बच्चों से प्रोटेक्ट किया है और मुझे लगता है कि तुम फाइटर फॉर जस्टिस हो। और ये सुनते ही गारो तारियो का मुंह बंद कर देता है और बड़े ही गुस्से से बोलता है, तुम अभी मुझे परेशान कर रहे हो। और उसी समय साइतामा आ जाता है और गारो से बोलता है, हे तुम अपना खाना खा के बिल क्यों नहीं पे किया। पर गारो साइतामा की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, पर साइतामा फिर भी गारो को बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, अगली बार से ऐसा मत करना। और ऐसा बोल के साइतामा वहां से जाने लगता है, पर गारो उसे बोलता है, हे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ फाइट नहीं करोगे, और तुम्हारा हीरो नेम क्या है। और ये सुन के साइतामा बड़े ही हेजिटेशन के साथ अपना नाम बोलता है, मेरा नाम बोल्ट केप है। पर गारो को कुछ समझ में नहीं आता है और वो सोचता है कि ये छोटा मोटा सा हीरो है, पर मुझे क्या, मुझे तो किसी भी हीरो का एक सर चाहिए मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए। और ये सोचते हुए गारो साइतामा को रोकता है और बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर साइतामा गारो को गलती से एक पंच मार देता है, जिससे गारो बहुत दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। और कुछ टाइम बाद गारो को होश आता है और अचानक से वो डर के उठ जाता है। और तभी तारियो गारो से पूछता है, तुम ठीक हो, और गारो पूछता है, वो हीरो कहाँ है, और तारियो बोलता है, वो तो भाग गया। और ये सुनकर गारो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं उससे कैसे हार गया, और वो कैसा हीरो था जिसने मुझे एक पंच में हरा दिया। और तभी वहाँ किंग द रिपर आ जाता है और गारो से बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम एक इंसान की मदद कर रहे हो, तुम एक मॉन्स्टर हो ही नहीं सकते। और तभी वहाँ पर एक और आवाज आती है जो कि इंसेक्ट मैन की है, और ये देख के गारो तारियो को भागने को बोलता है, पर तारियो शॉक हो जाता है और बोलता है कि इस मॉन्स्टर के बारे में मैंने बुक में पढ़ा है, जो कि बच्चों को किडनैप करता है। और ये देख के तारियो की फट के चार हो जाती है और फिर किंग द रिपर और इंसेक्ट मैन गारो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देख के गारो तारियो को बोलता है, तुम मेरे पीछे ही रहना। और फिर किंग द रिपर बोलता है, ग्योरो ग्योरो ने हमें तुम पे नजर रखने को बोला था और चेक करने को बोला था कि तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के काबिल हो या नहीं। और ये साबित करने के लिए किंग द रिपर गारो को तारियो को मारने को बोलता है और गारो तारियो को मारने से इनकार कर देता है और तारियो से बड़े ही गुस्से से बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें यहाँ से जल्दी घर भाग जाना चाहिए। पर तारियो इतना डर गया था जिससे उसके पैर कांपने लगे थे और इसके कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। पर गारो चिल्ला के बोलता है, यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई बचाने आएगा, तो सुनो तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला है, इसलिए जल्दी से खड़े हो जाओ और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करो। ऐसा बोलते हुए गारो एक और बार चिल्लाता है, खड़े हो जाओ। और इतने में ही किंग द रिपर तारियो पे अटैक कर देता है, जिसको गारो अपने हाथों से रोक देता है और इसे देखकर किंग के होश उड़ जाते हैं। और फिर गारो किंग को एक पावरफुल किक मारता है, जिससे किंग द रिपर हवा में स्टंट मारते हुए खड़े हो जाता है और गारो तारियो को एक और बार फिर से भागने को बोलता है। पर किंग द रिपर बोलता है, तुम इसके लिए बहुत लेट हो चुके हो। और ये बोल के किंग द रिपर और इंसेक्ट मैन गारो पे अटैक कर देते हैं और किंग द रिपर और इंसेक्ट मैन अपनी फुल पावर से गारो पे अटैक कर देते हैं, जिससे गारो को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो होती है पर थोड़े देर बाद गारो भी उन दोनों पर काउंटर अटैक करने लगता है और कुछ समय बाद दोनों ही फाइट को रोक देते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की बॉडी पे इतना डैमेज पहुंचा दिया होता है, इसलिए ये दोनों थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। और जैसे ही थोड़ी देर बाद ये फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं, तभी तारियो ओल्ड गाय बोलता है और गारो देखता है कि एक मॉन्स्टर ने तारियो को पकड़ रखा है। और ये देख के गारो बड़े ही गुस्से से बोलता है,
तुम्हारी फाइट मेरे साथ है, तुम उस बच्चे को छोड़ दो। और ऐसे बोलते ही किंग द रीपर गारो के बैक पर अपने सॉर्ड से अटैक कर देता है और उसी समय इंसेक्ट मैन सामने से अटैक कर देता है और ये दोनों गारो को इतना मारते हैं जिससे गारो अधमरा हो जाता है और किंग द रीपर टारियो को अपने साथ मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस पे ले जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गारो को धीरे धीरे होश आ रहा है और गारो को अपने फाइट के फ्लैशबैक आ रहे है, पर गारो को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। और इसलिए वो बोलता है, मैं ऐसा सोया हुआ क्यों था और मेरे बॉडी पे इतने चोट कैसे आए। और फिर गारो को याद आता है कि मैं उन मॉन्स्टर से हार चुका हूँ और फिर टारियो भी याद आ जाता है। और फिर गारो सोचता है कि टारियो के साथ क्या हुआ, क्या उन लोगों ने टारियो को छोड़ दिया। छोड़ो, मुझे क्या करना है, ये मेरा मैटर नहीं है। फिर गारो अपनी ब्लीडिंग पे ध्यान देता है और फिर गारो देखता है कि उसकी ब्लीडिंग पहले से ही रुक चुकी है। और फिर गारो अपनी हड्डी चटकाते हुए बड़े ही गुस्से से टारियो को बचाने चला जाता है। और इसी मांगा पैनल में हमें देखने को मिलता है कि गारो की बॉडी से भाप निकल रही है और फिर हमें देखने को मिलता है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस में जा रहा है। और फिर हमें किंग द रीपर को दिखाया जाता है जो कि टारियो को अपने साथ आने को बोलता है। और तभी वगामा भी बोलता है, क्या तुम इसे छोड़ने वाले हो, तो ये अनफेयर है, मैं भी इसके साथ आऊंगा। और फिर ये सुनकर किंग द रीपर अपनी बड़ी शॉट दिखाता है और बड़े ही क्रीपी तरीके से बोलता है, मैं इसे अपने रूम में ले जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खिलौना है। और ये सुनते ही वागामा तारियो को धक्के मार के किंग द रीपर के पास भेज देता है और तारियो रोते रोते बोलता है, मुझे नहीं जाना है, कोई मेरी हेल्प करो, कोई तो हीरो होगा ही यहाँ पर जो मेरी मदद कर सके। पर तभी किंग द रीपर बोलता है, ओ डियर, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि हीरो एसोसिएशन सिर्फ वागामा को रेस्क्यू करने आने वाली है क्योंकि उनको पता ही नहीं है तुम भी यहाँ पर हो, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। और तभी किंग द रीपर अपने सॉर्ड से टारियो के फेस पर स्क्रैच मारता है और बोलता है, तुम्हारा रिएक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी टारियो बोलता है, तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। और फिर किंग द रीपर बोलता है, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मुझे इंसानों को काटना बहुत पसंद है, इसलिए ये मैं सब तुम्हारे साथ कर रहा हूँ और मैं अब तुम्हारे जीव से स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये सुनते ही टारियो बहुत जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है और तभी गारो वॉल को तोड़ते हुए हीरो जैसे एंट्री मारता है और ये देख के किंग द रीपर अपनी सॉर्ड से गारो पर अटैक कर देता है, पर गारो अपने हाथ से सॉर्ड को तोड़ देता है और फिर अपने दूसरे हाथ से किंग द रीपर के सर को उसके बॉडी से अलग कर देता है। और इसे देख के टारियो रोते रोते गारो को अंकल बोलता है और फिर गारो किंग द रीपर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और गारो टारियो को अपने साथ चलने को बोलता है। पर तभी टारियो कप कपाते हुए गारो से पूछता है कि तुम्हें इस प्लेस के बारे में कैसे मालूम। और फिर गारो बोलता है, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और तभी गारो के पीछे से दो मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्हें गारो एक ही अटैक में मार देता है और उन्हीं एक मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर का हाथ खाने लगता है और गारो को हाथ खाते हुए देख टारियो की फटके चार हो जाती है। और फिर टारियो बोलता है, आप अपना पेट खराब करवा लोगे अंकल। और फिर गारो बोलता है, जिससे भी मेरा पेट भर सकता है वो मैं खा लूंगा। और गारो पूरा हाथ खाने के बाद बोलता है, वैसे भी मैंने अपना रिवेंज ले लिया है और अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते है और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। और ये बोल के गारो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और टारियो भी गारो के साथ भागना शुरू कर देता है। और तभी टारियो गारो से बोलता है, मेरे अलावा भी वहाँ पर एक और हॉस्टेज था और वो भी मेरे एज का ही है। और गारो ये सुन के बोलता है, आई डोंट केयर। और टारियो ये सुन के रोना शुरू कर देता है और बोलता है, तुम्हें उसे बचाना होगा। और फिर गारो बोलता है, सुन बच्चे, तुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मैं यहाँ पे तुम्हें या फिर किसी और को बचाने के लिए नहीं आया हूँ। और ये बोलते ही गारो को एक ऐसा मॉन्स्टर दिखता है जिसे देख के गारो के गोटे मुंह में आ जाते हैं और गारो बोलता है, ये क्या चीज है। और तारियो भी अपने पीछे देखता है और गारो तारियो को अपने पास आने को बोलता है। और हमें उस मॉन्स्टर का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है जो कि एक बड़े साइज का कुत्ता है जिसके पास 6 आंखें हैं। और ये देख के गारो तारियो को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है और तारियो को स्लोली पीछे हटने को बोलता है। और ये दोनों ऐसे ही चलते चलते उस मॉन्स्टर से बहुत दूर आ जाते हैं और गारो बोलता है, अभी के लिए हम उस मॉन्स्टर से बच चुके हैं,
पर तभी तारियों के सामने से एक और मॉन्स्टर आता है और वो बोलता है आई फाउंड यू, और ये बोल के एक पंच मारता है पर गारो तारियों को पीछे खींच के बचा लेता है। और तभी एक और मॉन्स्टर गारो पे अटैक कर देता है और उस अटैक से गारो डॉज कर लेता है और तारियों को अपने पास से दूर भेज देता है। और फिर गारो उस मॉन्स्टर को मारने ही वाला होता है पर तभी एक और मॉन्स्टर उस पे हॉट वाटर से अटैक कर देता है जिससे गारो को पीछे हटना पड़ता है। और फिर ये तीनों मॉन्स्टर गारो पर अटैक कर देते हैं और इनके अटैक को गारो स्टार्टिंग में इजीली डॉज कर लेता है और फिर इन तीनों मॉन्स्टर्स को कुत्ते की तरह मारता है। पर तभी एक मॉन्स्टर अपना स्पेशल अटैक यूज करता है जिसे गारो अपने हाथों से पीछे डाइवर्ट कर देता है। और ये करने के बाद गारो अपने आप की तारीफ करते हुए बोलता है What a move! पर तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आती है और गारो पीछे देख के समझ जाता है उसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और फिर तारियो बोलता है जल्दी वहां से हटो, तेरा माइक है चलो उतर, हट बैठ, मतलब वहां से भागने को बोलता है। और तब हमें छह आंखों वाला कुत्ता दिखाई देता है और तभी हमें उस कुत्ते का नाम भी बता दिया जाता है जो कि ओवरग्रोन रोवर है। और तभी रोवर हीट बॉम्ब से अटैक करता है जिसे देख के सबकी गांड फट जाती है। और इस अटैक को रोकने के लिए एक मॉन्स्टर वाटर से अटैक करता है पर इस अटैक का रोवर के हीट बॉम्ब पे कोई असर ही नहीं होता है। और फिर हमें गारो दिखाई देता है जो कि तारियों को लेकर अपने टॉप स्पीड पे भाग रहा है। और फिर गारो एक वॉल को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और हीट बॉम्ब के अटैक से खुद को और तारियों को बचा लेता है। और गारो तारियों को भागने को बोलता है और बोलता है अभी से हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। पर तारियों बोलता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और तभी गारो बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और तुम यहाँ रुके तो तुम मुझे स्लो डाउन कर दोगे और मुझे बहुत बड़े खतरे में डाल दोगे। और अभी तक मैंने तुम्हें जितनी बार भी बचाया है वो लक के कारण बचाया है और अभी तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। और ये सुन के तारियो रोते हुए वहां से भाग जाता है। और फिर गारो और ओवरग्रोन रोवर के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है और रोवर हीट बॉम्ब से अटैक करने ही वाला होता है पर तभी गारो उसके पैर पे अटैक कर देता है और बोलता है मेरे इस अटैक से तुम्हें थोड़ा सा तो दर्द हुआ ही होगा। पर ये कुत्ता गारो के ठीक ऊपर हीट बॉम्ब से अटैक कर देता है और इस हीट बॉम्ब की पावर इतनी थी कि इसने मॉन्स्टर एसोसिएशन के कई फ्लोर में होल कर दिए थे। पर गजब की बात ये थी कि गारो इस पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर जाता है पर इस अटैक के कारण गारो की बॉडी थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। पर तभी ओवरग्रोन रोवर अपने हीट बॉम्ब अटैक से गारो पे कंटिन्यूसली अटैक करना शुरू कर देता है जिससे गारो बड़े ही मुश्किल से बच पाता है। पर जो हीट बॉम्ब कंटिन्यूसली गारो पे रिलीज कर रहा है उससे इतनी एनर्जी जनरेट होती है जिससे सरफेस पे बिल्डिंग कोलैप्स होने लगती है। पर गारो इस अटैक को भी सर्वाइव कर लेता है और बड़े ही गुस्से से बोलता है घटिया कुत्ते मैं तुझे अभी दिखाता हूँ, और ऐसा बोलते हुए रोवर पे फुल पावर से अटैक कर देता है। पर गारो के इस अटैक से रोवर को कुछ इफेक्ट नहीं होता है। पर तभी रोवर गारो का पैर पकड़ लेता है और जमीन पे पटक के मारता है और फिर रोवर एक और बार हीट बॉम्ब से अटैक करता है और यह अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे गारो 10 से 15 फ्लोर नीचे जाके रुकता है और गारो मलबे में फंस जाता है। पर गजब की बात यह है कि जहां पर गारो फंसा हुआ है उसके ठीक सामने ग्योरो ग्योरो बैठा हुआ है और ग्योरो ग्योरो गारो को देख के खुश हो जाता है। तो बस आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा और इसके आगे की स्टोरी को हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे जो कि आपको अगले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा।